कैसी है मेरी प्यारी सी YouTube की फैमिली। उम्मीद है जिससे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। और जी आज का व्लॉग भाई के वलीमे का है, जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। सुबह का नाश्ता जो है बाजार का जो भी नाश्ता होता है, देसी नान चने सारा कुछ था, मतलब बाजार का ही नाश्ता था क्योंकि मेहमान भी थे घर में। कौन सुबह उठ के बनाता, शादी के दिनों में तो कुछ दिल नहीं करता, घर में कोई काम भी करे बंदा। पर खैर जो चीजें बनी थी आंटी बना के दे रही थी, जो हेल्पर थी, मैं सारा कुछ नाश्ता जो है ना ऊपर आंटी के साथ लगवा रही थी। और ऐसे फिर सबने नाश्ता किया और उसके बाद ही भाभी के साथ पार्लर जाना था। मेरी बड़ी बहन ने जो है अपने बच्चों में भी, उसके बाद जी किसी को कोई काम किसी का कोई काम, तो मैं ही वेली मिली तो मैं ही थी जो मैंने कहा चलो मैं भाभी के साथ चली जाती हूँ। बहुत सुबह जाना था हमने क्योंकि सारी बात है ब्राइड को तैयार करने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम पहले जल्दी निकल गए थे। बाकी डिटेल मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और फिर हमारा ना एक काम रह गया था, मतलब सारा कुछ कम्प्लीट था वलीमे का। बस कहते ना शॉपिंग जो है ना शादी के मुकदी नहीं, तो मतलब हमारा वलीमे वाले दिन भी हमारी शॉपिंग हो रही है, आप लोग हिसाब लगाए। एक्चुअली जो है ना बैंगल्स वगैरह का हमें याद था, लेकिन पता नहीं किस तरह माइंड से जो है स्किप ही हो गया बिल्कुल ना, कि इसके साथ वो जो मैचिंग चूड़ियां होती हैं वो लेनी है, क्योंकि इसका जो सेट लिया था ना मैं था, हमने उसके साथ मैच कर लिया। रात को हमने जब चीजें निकाली हमें याद आया कि हमने तो इसके साथ वो चूड़ियां वगैरह ही नहीं ली, तो जो होते हैं कड़े वगैरह, फिर हमने वो सुबह सुबह शॉपिंग की। शुक्र है कि हमारी शॉप्स वगैरह करीब खुली हुई थी, तो फिर वहां से अच्छी मिल गई मैचिंग के लिए। वैसे भी वलीमे की लुक जरा सिंपल होती है, उस पर यह होता है कि बस ड्रेस ज्यादा और इतनी हैवी लुक नहीं होती वलीमे की, सिंपल जरा अच्छी लगती है। इसके बाद जो है ना वैसे कैसे करके पार्लर आ गए, और पार्लर में आके सबसे पहले मैं तैयार हो गई बस वही मैं तैयार यार, मैं ना मतलब टाइम पे ही तैयार हो गई थी। मैं आई थी और भाभी आई थी बस। के बाद उन्होंने भाभी का जो मेकअप वगैरह वो स्टार्ट कर दिया। सही बात है ब्राइड को ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इनके पार्लर की एक खासियत ये है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते, मतलब ब्राइड को भी अगर तैयार करते हैं ना उनका भी मेकअप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी काम कर रही है। एस जे सलोन जो फैसलाबाद में ना जन्नत मिर्जा का, उसका मैं बता रही हूँ, वहां से हम तैयार हुए थे। तो जो लोग यहाँ से तैयार होना चाहते हैं, रेडी वगैरह होना चाहते हैं, इनका बहुत अच्छा है मेकअप वगैरह ना, आप लोग यहाँ से हो सकते हैं तैयार। मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा मुझे इनका लगा, एनवायरमेंट वगैरह भी सारा कुछ ओके है। और जिसके बाद हम रेडी शेडी हो गए, उसके बाद जब घर गए तो शाम तक सारी मैंने मेरी आई तैयार होकर, फिर रात को हम गए मेरा पार्लर का। मैं दोनों दिन ही बड़ा जल्दी तैयार हुई हूँ, बरात पे भी वलीमे पे भी, इतना पहले तैयार हो गई जिदा सारे नालों जल्दी मैनू ही तो फिर मैं ऐसे तैयार श्यार होकर पहली बैठ जाती, मुझे सही मौका मिलता था स्नैप्स वगैरह बनाने का, सही मैंने इंजॉय किया है। इसके बाद जो है ना मार्केट में आ गए थे, और यहाँ पे मैं चाचू लोगों के साथ आई थी, और यहाँ पे मैं एंड पे आई थी। सारे मेहमान मतलब घर वाले सारे भी पहुंच गए थे, मैं बस रह गई थी। मैं पता नहीं क्यों उस दिन लेट हो गई थी, मैं कहाँ बिजी थी, पता ही नहीं होता इन शादी के दिनों में टाइम ऐसे गुजरता ना, पता ही नहीं होता की हो रहा। जिनके घरों में शादियां हो गई उनको इस बात का अंदाजा जरूर होगा। तो खैर जी यहाँ पे जो माशाल्लाह ये मार्केट की लुक थी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। ये हमने जब फाइनल की तब का भी लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, बहुत ही अच्छा उन्होंने सेटअप बनाया था, मतलब माशाल्लाह सबने बहुत तारीफ, वलीमे की बहुत तारीफ हुई थी। सब फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोगों को तीनों फंक्शन में से कौन सा अच्छा लगा। तो जी ये भी लॉग अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत मजे का एंड तक देखिएगा, और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे मजे मजे के लॉग शादी के बाद वाले भी और आने वाले हैं, और मैं जो जो रेसिपी बनाती हूँ वो भी आने वाली। जी हाँ भाई भाभी की माशाल्लाह जी एंट्री हो गई थी। सबने जो है ना आके मुबारक दी, और जो भी था मतलब मैं तो स्टेज से उतरी बहुत कम मतलब मैं तो स्टेज पे ही रही, मतलब मुझे पता सब लोग देख रहे हैं मुझे, मैं क्या करती, मुझे इतनी खुशी थी ना मतलब भाई की शादी की, मैं तो बहुत ही इंजॉय किया। मतलब मेरा एक ही माशाल्लाह भाई है, अल्लाह ताला से सेहत जिंदगी दे आमीन सबके भाइयों को भी। और मतलब मेरा ये था कि मैंने फुल टाइम इंजॉय करना है, मतलब जो लोग देखते रहे, कुछ लोग होते हैं बातें भी करते हैं, मुझे पता है सबका बातें सुनने को मिल जाती है, पर खैर है मैं क्या करूँ, मैं तो इंजॉय करना था, मैंने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा टाइम। मैं तो फंक्शन को सही जो है ना तीनों फंक्शन सही से इंजॉय किए थे, मजा तो मुझे ऐसे ही आया ना, अब ये क्या बंदा अपने फंक्शन पे भी इंजॉय ना करे तो इसी तरह जिंदगी को इंजॉय किया करे, किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ बस अपनी लिमिट्स में रह के अपनी लिमिट्स का आप लोग ख्याल रखें। खैर जी बस इस तरह फिर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पिक्चर्स वगैरह ली, बहुत मजा आया, ऑफिशियल वीडियो नहीं आई अभी। खैर उसके बाद जी माशाल्लाह खाना यहाँ पे जो है ना आ गया था, और खाने की बहुत तारीफ हुई थी, मतलब वलीमे का जो फंक्शन था बहुत, अभी तक फैमिली में सब लोग कहते हैं वलीमा बहुत अच्छा दिखा था, मतलब सबने बहुत
पसंद किया था। और वाकई इनका खाना बहुत मजे का था ना। ये रिट्स मार्केट सूसा रोड पे, और इनका ख्याम वालों का है ये मार्केट ना। अगर किसी को इनकी डिटेल्स चाहिए वो गूगल भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको बता दूं। तो इनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको ऑनलाइन भी वैसे मिल जाते हैं। इनके बहुत अच्छे मतलब खाना था, प्रॉपर अरेंजमेंट इनका बहुत अच्छा था, और साथ में इन्होंने बहुत कोऑपरेट भी किया था, बहुत अच्छा इनका फंक्शन। और खाने के बारे में हमेशा मैं बात कहती हूँ कि शादी हो कोई भी जगह हो, आप लोग खाना हमेशा उतना ले जितना आप खा सकते हैं। तो चीजें वेस्ट ना करें, जाया ना करें। लोग तो बस ना कुछ होते हैं कि बस ऐसे ही, जैसे आज आखिरी दिन है, इस चीज का लाजमी ख्याल रखा करें आप लोग। मैं मैसेज हमेशा देती हूँ और मैं देती रहूंगी ताकि मेरे से किसी को फायदा पहुंचे, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो। कोई मुझसे अगर इस चीज को फॉलो तो अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देंगे। और आप लोग भी अच्छी बात कोशिश करें, आगे शेयर किया करें। तो जी बस इस तरह माशाल्लाह जो वलीमे का फंक्शन था बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छे से जो है ना सारा कुछ हो गए थे, अरेंजमेंट जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से गया। उसके बाद जिसने जो इस्लामी देनी थी, गिफ्ट वगैरह देने थे, वो सबने दिए। और उसके बाद हम जा रहे हैं अब घर की तरफ वापस। फाइनली जी यहाँ पे शादी कम्प्लीट होती है, और आप सबको जो मैंने कहा था कि मैं व्लॉग शेयर करूंगी वो भी आज मैंने पूरा किया। अभी यहाँ पे देखिए कि मुझे गिफ्ट क्या मिला, मुझे गिफ्ट मिला है। बड़ी एक्साइटेड थी इसके लिए, मतलब मुझे शादी पे किसी ने गिफ्ट किया था, मैं आगे डिटेल बताती हूँ। तो मुझे जब मिला था मैंने कहा मुझे मतलब मैं भाई की शादी है। आंटी को मैंने कहा था आंटी हमने स्पाइस बॉक्स किए थे, तो आंटी ने वो ही दिया यार। पता नहीं मैंने आंटी को बताया था कि नहीं बताया था। इधर का गिफ्ट देखो रीता यार, मैं आंटी को बताई थी आंटी हमने स्पाइस बॉक्स किए थे, आंटी ने वो ही दे दिया। मैं भाई यार ये क्या, ये हम अंदर, ये कोई बात नहीं। वाओ लेट्स सी, ओ वाओ, मैं ब्लैक में सोचा था। और यहाँ पे मैं इतनी एक्साइटेड और खुश इसीलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना फर्स्ट टाइम, और वैसे भी भाई की शादी मुझे गिफ्ट की मतलब था ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं मैंने किया था। मुझे गिफ्ट दिया है जिनके घर मेहंदी नहीं आंटी के घर लगवाने जाते, तो उनके मैंने बताया था मैं उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है, तो उनसे वैसे ही डिस्कस कर रही थी मैं। जब उनसे बातचीत हो रही जब किचन बन रहा था ना हमारा, बन गया था, तो मैंने कहा अभी मैंने ना ऐसी कुछ नई चीज़ें लेनी है स्पाइस बॉक्स किचन के लिए ना, ऐसी चीज़ें मैं उन्हें अपना बता रही थी। तो जब वो आई शादी पे उसके बाद मेरे लिए ये गिफ्ट ले आई, मैंने कहा अभी तो मैंने लेना था, शुक्र मैंने ऑर्डर नहीं करा दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब उन्होंने मेरे सोचा। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, आप व्लॉग तो देख ही रही होंगी मेरा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मतलब ना एक तो खुशी अलग ही होती है, गिफ्ट जो भी हो ना बहुत खुशी होती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। किसको नहीं पसंद कि गिफ्ट लेना, अब लोग बस लेते हैं, देता कोई भी नहीं है, पर मुझे बड़ा खुशी हुई थी मुझे किसने गिफ्ट दिया है, तो अच्छा लगता है ऐसे देना भी चाहिए। और ये तो हमारे इस्लाम में भी है, सुन्नत भी है, आसर सलम ने फरमाया कि गिफ्ट वगैरह जो है ना देने चाहिए, मतलब इससे जो है ना एक तो आपका जो है ना ताल्लुक अच्छे बनते हैं, और अच्छी चीज़ है एक दूसरे को तोहफे देना। खैर जी यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था, और जो शादी के दिनों में बिस्किट्स ऐसी चीज़ें बहुत आई हुई थी, तो मुझे तो ये वाले बिस्किट्स में ना बस वो नान खटाई वाले बिस्किट्स ज़रा पसंद है। तो खैर मैंने ये टेस्ट किया था, अच्छे थे बिस्किट्स, मीर के वैसे बिस्किट मिठाइयाँ वगैरह काफ़ी अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पे हमारी चाय पार्टी चल रही थी और वलीमा यहीं पे एंड हो। बस सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने जरूर बताना व्लॉग का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और मेरा ड्रेस कैसा लगा। मेरी ये मैक्सी भी सबको बहुत पसंद आई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई थी। और जी आप लोगों का मैंने जो है ना प्रॉमिस अपना पूरा किया शादी के सारे व्लॉग्स आगे, वो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्यार से कमेंट। अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें।